अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अज़र इन द किचन। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे टूटी फ्रूटी, जो कि बहुत इजी वे में बनाएंगे। ये तकरीबन क्योंकि हर घर में फूड कलर होते हैं और जो लोग अपने खानों में टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं मीठे डेजर्ट वगैरह में और उनको अवेलेबल नहीं है उनके इलाके में, तो इस तरह से पेठा तो हर जगह ही मिल जाता है तकरीबन। तो ये पेठा लिया है मैंने, ये तकरीबन एक पाव है और इसे बस हमने सिंपल कट करना है और इसमें हमने कोई चीनी वगैरह नहीं मिलानी। आप देखिएगा कितना इजी वे से ये बनेगा और बहुत जल्दी ये रेडी हो जाएगा। और आप इसको कितनी देर तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कितना टाइम, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने जो पेठा लिया था इसे हम कट कर रहे हैं, सिंपल वही पेठा है जो मूँगफली वगैरह जो बेचते हैं उनके पास होता है ये, या किराने वाली शॉप पर होता है। बस अब हमने इसे जितने, अगर आपको जिस शेप में भी पसंद है उस शेप में आप इसे कट कर लें। यहाँ मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है क्योंकि मैं केक बनाने जा रही थी और मेरे पास था नहीं, तो मैंने सोचा चले आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर कर दूँगी क्योंकि मैं इससे बनाती रहती हूँ अक्सर, क्योंकि मुझे भी ये मिलती नहीं है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर जो है ऐड किया था, फूड कलर है लिक्विड वाला। दो कलर मैंने लिक्विड वाले से सिखाए आपको और दो कलर जो है मैंने आपको पाउडर फॉर्म में, तो ये दोनों लिक्विड वाले थे। इसमें आपको जितना लाइट डार्क कलर करना है आप वो प्याली में डालते जाएं और ये पेठे को मिक्स करते जाएं। जो कलर आपको डार्क करना है तो मज़ीद आप इसमें ऐड कर लें, एक चम्मच डेढ़ चम्मच जितना आप ऐड करना चाहें और जितना आपकी रिक्वायर्ड हो आपको के कितना डार्क हो या लाइट, तो आप कर सकते हैं। दूसरा जो है ये फूड कलर है, जर्दे वाला कलर जो है वो भी जर्दे के कलर हैं, रंगीन जर्दे वाले कलर हैं ये चारों, और मैं इन्हें केक्स में भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखें, थोड़े से पानी में इसको हमने हल कर लिया है और इसमें जो हमारा एक जो हमने एक पोर्शन उसका रखा हुआ है पेठे का, क्योंकि जो हमने कट किया था उसके हमने चार पोर्शन कर लिए थे। और ये रेड फूड कलर है, पाउडर फॉर्म में है ये, इसे भी हमने जो है एक से डेढ़ टेबल स्पून पानी में मिक्स किया है। कम लगेगा तो, अगर हमारे हिसाब से कलर कम लगा तो हम इसमें और शामिल कर लेंगे कलर। ये देखें, इन्हें भी ऐड करके हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें, बस हम इसको इस तरह ही चम्मच से हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे और उलट पलट करके इनको जो है डिप कर देंगे इसमें कलर में। कोशिश कीजिए कि हाथ ना यूज़ करें इसमें, क्योंकि उनका जो है फिंगर पे कलर आ जाता है वो अच्छा नहीं मालूम देता। ये देखें, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा सिरप नज़र आ रहा है जो, यानी कलर का जो सिरप था, तो ये देखें अभी इसमें है, ये देखें आपको काफ़ी सारा इसमें सिरप सा नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा लिक्विड ही। बस अब इसको मैं ढककर यहीं काउंटर पर छोड़ दूँगी ओवरनाइट के लिए, इसको 7 से 8 घंटे रखना पड़ता है। ये देखें, इसको मैंने, ये सुबह का है, रात को रख दिया था मैंने, यहीं काउंटर पे ही छोड़ दिया था, सिर्फ कवर कर दिया था। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, ये देखें कितना प्यारा सा डार्क कलर आ गया है इसका, ये देखें। और इसमें जो लिक्विड है वो भी इन्होंने जो है सोक कर लिया है, तो थोड़ा बहुत ही रह गया होगा। अब आप इसमें देख लें, हमने कुछ भी नहीं डाला, जस्ट पेठा हमारे पास था और ये मीठी भी बनी है उसी तरह से, बिल्कुल टेस्ट में भी वही होती हैं। तो आप इनको जो है, अभी मैं जो फ़ौरन यूज़ करूँगी इसको केक बनाने के लिए, मैंने अभी अपनी इससे पहले जो रेसिपी अपलोड की थी फ्रूट केक की, क्रिसमस केक जो बनाया था उसमें ऐड किया था, तो मैंने इसको वॉश कर लिया है, वॉश करके और ड्राई कर लूँगी मैं इनको, फिर मैं केक में यूज़ करूँगी। तो आप भी जो है इनको देखिएगा ड्राई करने के बाद इनका कितना प्यारा सा और कलर आ जाएगा। तो यूज़ करने का आप इसको इस तरह से स्टोर कर सकते हैं कि आप इस फॉर्म में भी रख सकते हैं एयरटाइट जार में, और लेकिन रखना होगा फ्रिज में। और अगर आप चाहें तो इन्हें वॉश करने के बाद भी इनका अच्छे से पानी ड्रेन कर लेंगे हाथ में दबा के, और फिर आप इसको पंखे में रखेंगे, कपड़े पर, मलमल के कपड़े पर फैला लें ट्रे में और पंखे के नीचे रख दें 6 से 7 घंटे, अच्छा सा मॉइस्चर निकल जाए इसका, तब भी आप इसको एयरटाइट जार में करके और फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 1 से 1.5 महीने। देखें कितना कम इसमें सिरप रह गया है। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए मैं इसमें वीडियो बनाऊं
कि कितने देर ज़्यादा अरसे के लिए आप इसको रखें और फ्रिज से बाहर रखें, वो किस तरह बनाई जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट्स आएंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी वो रेसिपी भी आपके साथ। ये देखें, बस अब मैं इनको वॉश कर लूँगी। वॉश करके आपको दिखाती हूँ कि वॉश करने के बाद इनका क्या लुक है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इनको अच्छे से वॉश किया है पानी से और अच्छे से हाथ से दबा दबा के इसका पानी मैंने सारा जो है निचोड़ दिया है। ये देखें, अब क्योंकि मैं इसको तो फ़ौरन ही इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसी फॉर्म में ही कर लूँगी। आप मेरा वो केक भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बना था वो। बस ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें, इसका भी कितना प्यारा सा कलर आया है। अगर आप चाहते हैं इससे ज़्यादा डार्क कलर कोई और इसको करना है तो आप ज़्यादा इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी ये छोटी सी आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।